नमस्कार, मैं अनामिका, बिहार की 25 खबरों में आपका स्वागत। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड बने बिहार के राजीव। बिहार के भागलपुर के रहने वाले राजीव कुमार ने अपने मेहनत और लगन से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में हेड बन चुके हैं, जिसके बाद कंपनी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर अपने गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों से आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि राजीव ने मास्टर डिग्री करने के बाद अमेरिका के रेडमंड में उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया, उसके बाद डिप्टी मैनेजर और कॉरपोरेट वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। तेज प्रताप यादव की पत्नी अपने ससुराल में ही रहेंगी। पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या अपने ससुराल में ही रह रही हैं। उन्हें अपने ससुराल वालों के द्वारा कहा गया है कि जब तक तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच मामले का फैसला नहीं हो जाता, तब तक वो अपने ससुराल में ही रहे। बता दें कि तेज प्रताप ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दी है। खोली गई स्मार्ट सिटी परियोजना की फाइल। स्मार्ट सिटी कार्य के लिए कितने कार्य पूरे हुए हैं और कितने बाकी हैं, इसके लिए स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देखने का कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें बीते 3 वर्षों के अंदर क्या क्या कार्य किए गए हैं, इसके लिए नए सिरे से फाइल देखना शुरू हो चुका है। AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की घोषणा की। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि वे 2020 के चुनाव में सभी 243 सीटों पर वे अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। रविशंकर प्रसाद बोले, पटना सहित राज्य के हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। पटना सिटी माल सलामी के जयदास शाह रोड में स्वर्गीय हीरा लाल शाह की स्मृति में खोले गए चैरिटेबल ओपीडी व क्लिनिक का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि देश में कहीं आर्थिक मंदी नहीं है, बल्कि देश के हर राज्य में विकास हो रहा है। पटना साहिब में भी स्मार्ट सिटी का असर दिख रहा है, जिसमें उन्होंने बताया कि चैरिटेबल ओपीडी क्लिनिक में मरीजों की मुफ्त जाँच एवं इलाज की व्यवस्था की गई है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी बोले, तेजस्वी सिर्फ संपत्ति के लिए करते हैं राजनीति। सुशील मोदी ने ट्वीट कर तेजस्वी के बारे में कहा कि जब तेजस्वी 29 की उम्र में 54 बेनामी संपत्ति मालिक बनने के बारे में बिंदुवार जवाब देकर जब जांच एजेंसी से क्लीन चिट नहीं पा सके हैं, तब भी पार्टी उनसे इस्तीफा लेने के बजाय राजनीति करवा रही है, जबकि वे केवल संपत्ति बनाने के लिए राजनीति करते हैं। सभी सरकारी वाहनों के ड्राइवर को दिए जाएंगे यातायात और सुरक्षा की ट्रेनिंग। परिवहन विभाग सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट सभी तरह के ड्राइवरों को नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें सोमवार को सभी ड्राइवर को बांकीपुर बस स्टैंड आकर ट्रेनिंग लेनी होगी। उसके बाद मंगलवार को मुख्य सचिवालय और विश्वरैया भवन में मंत्रियों और अधिकारियों के ड्राइवर को दिए जाएंगे ट्रेनिंग। जिला प्रशासन ने चेकिंग पॉइंट पर बनाया बीमा और प्रदूषण जांच केंद्र। नए ट्रैफिक नियम लागू करने के बाद अब जिला प्रशासन ने थोड़ी सहूलियत देते हुए आम नागरिकों को अब थोड़ी राहत दी है, जिसका कारण है कि सड़कों पर जहां चेकिंग पॉइंट बने हैं, अब वहां पर 16 से 22 सितंबर तक प्रदूषण एवं बीमा के कागजात भी बनाए जाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए वेबसाइट की सुविधा भी की गई है, ताकि लोग अपने निकटवर्ती प्रदूषण जांच केंद्र से जानकारी ले सकें। इसकी जानकारी डीएम कुमार रवि और जिले के आला अधिकारियों की बैठक में दी गई। बिहार बोर्ड की चेतावनी के बाद भी स्कूल कॉलेज की लापरवाही। बिहार बोर्ड वेबसाइट के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन फीस नहीं भुगतान करने से छात्रों को परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है कि बोर्ड के बार बार कहे जाने के बाद भी स्कूल और संस्थानों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब आखिरी मौका 11 सितम्बर को भी मिला था, जिसके बाद भी स्कूल ने फीस नहीं जमा किया। जिनके ये फीस जमा नहीं हुए हैं, उनके नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर इस वेबसाइट www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। वीरेंद्र बोले, सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनादेश हो महत्वपूर्ण। राजद नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश पर तंज करते हुए कहा है कि नीतीश सिर्फ कुर्सी की मुंह में राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर भाजपा दलों को एकजुट हो और समझौता नहीं करें, सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के लिए ही गठबंधन नहीं बल्कि जनादेश के लिए हो। राजेंद्र फड़के बोले, लड़की के जन्म पर मिठाइयां बांटी जाएंगी। बिहार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संयोजक राजेंद्र फड़के ने कहा है कि इस कार्यक्रम को मंडल स्तर पर किए जाएंगे। अब बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाने के साथ ही मिठाई भी बांटे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके दीर्घायु के लिए बेटियों से यज्ञ कराएंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बोले, जब तक भाजपा नहीं देती कप्तान, तब तक नीतीश ही रहेंगे। रामविलास पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव के कैप्टन हैं और इस बार भी उन्हीं के जीतने की संभावना है।
तब तक वे कप्तान ही बने रहेंगे जब तक भाजपा कोई कप्तान नहीं ले आती। पटना में ठेले के चलने का समय हुआ निर्धारित। अब ठेले के समय को निर्धारित कर उसके लिए सुबह से 9 बजे से पहले, दोपहर में 3 से 5 बजे तक और रात में 8 बजे के बाद कर दिया गया है, जिसमें एग्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, कंकड़बाग, अशोक राजपथ, गांधी मैदान और ओल्ड बाईपास के लिए लागू किए गए हैं। इसके साथ ही जुगाड़ ठेला को भी रोकने का आदेश दिया गया है। बता दें कि जुगाड़ ठेले में बाइक का इंजन लगाकर उसे कमर्शियल इस्तेमाल करना बना है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार बोले, कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए निबंधन जरूरी। कृषि संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि पोर्टल पर अब तक 94.50 लाख किसानों ने अपना निबंधन करा लिया है, जिसके बाद विभिन्न स्तरों पर जांच के बाद 68.47 हजार रुपए की राशि भुगतान के लिए भेज दी गई है। डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जिसके 25 दिनों के अंदर डीजल किसान को दे दिए जा रहे हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की याद में 24 सितंबर को विचार गोष्ठी का आयोजन। 24 सितंबर को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 111वीं जयंती के एक दिन बाद सिमरिया में साहित्य समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसका नाम दिनकर और हमारा समय दिया गया है। इस मौके पर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति विभूति नारायण राय, भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक लीलाधर मांडलोई और कवि नरेश सक्सेना भी शिरकत करते नजर आएंगे। तेजस्वी ने अपनी दादी को किया प्रॉमिस। तेजस्वी यादव ने अपने पुस्तैनी गांव पहुंचकर अपनी दादी मरसिया देवी चौक पर उन्हें माल्यार्पण करते हुए संकल्प लिया कि 2020 के चुनाव में वह पार्टी के लिए जीत हासिल करेंगे, जिसके बाद सोमवार को वे सिवान के दौरे पर निकल पड़े हैं, जहां पहुंच वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। ICDS 2019 में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की नौकरी के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ICDS बिहार सरकार द्वारा आयोजित नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें पद का नाम आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका है। पदों की संख्या आंगनबाड़ी सेविका के लिए 221, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 246। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 19 सितंबर 2019 से पहले अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2019 है। बिहार के भोजपुर जिले में पदों की संख्या सेविका के लिए 93, सहायिका के लिए 100 है, जिसके लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू लिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2019 है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। योग्यता सहायिका के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण, सेविका के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। केबीसी 11 में पहुंची बिहार की दरभंगा और मिथिला की लाडली। मिथिला और दरभंगा की लाडली आरती कुमारी को अमिताभ के साथ कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन में बुलाया गया है। आरती के गांव वाले राघव चौधरी ने बताया कि दिनांक 16 और 17 सितंबर को अमिताभ के साथ हॉट सीट पर बैठकर यह गेम खेलेंगी। इसके पहले बिहार के सनोज राज सीजन के पहले करोड़पति बन चुके हैं। 20 सितंबर को जारी होगा बीएड एंट्रेंस का रिजल्ट। 4 साल के बीएड कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 20 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। वहीं 23 सितंबर को काउंसलिंग और 27 सितंबर तक एडमिशन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी, जिसके पश्चात क्लासेस 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। हेरिटेज बिल्डिंग के लिए बनेगी मेंटेनेंस पॉलिसी। बिहार में हेरिटेज बिल्डिंग्स के रखरखाव के मद्देनजर राज्य सरकार पॉलिसी बनाने का विचार कर रही है। वहीं बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि आगामी वित्त वर्ष से सभी हेरिटेज बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी राज्य सरकार ही उठाएगी। बिहार राजद टूट की कगार पर। बिहार राजद मंत्री महेश्वर यादव ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा किया है कि बिहार राजद में फूट पड़ चुकी है और मेरे साथ राजद के कई विधायक हैं जो कि मेरे साथ नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। साथ ही साथ महेश्वर यादव ने नीतीश कुमार को अपना नेता भी घोषित कर दिया। बिहार के विजय ने बनाया एक अनोखा स्ट्रीट लाइट। कटिहार के सिरसा चौक के रहने वाले विजय कुमार ने एक ऐसे लाइट का आविष्कार किया है जो कि सूरज ढलते ही खुद ब खुद ऑन हो जाता है और सूर्योदय के साथ ही अपने आप बंद भी हो जाता है। यह लाइट बिजली की बचत के साथ साथ रेडिएशन में कमी और पैसे की भी बचत करता है। इस स्मार्ट लाइट के निर्माण में 1 साल लग गए। अररिया जिले का नाम कैसे पड़ा? ब्रिटिश काल के समय वह क्षेत्र जहां श्री फोर्ब्स का बंगला था, उसका नाम आवासीय क्षेत्र था, जिसे कि संक्षिप्त कर आर एरिया के नाम से कहा जाने लगा, जो कि समय के साथ इस उच्चारण को बोलने से इसका नाम अररिया बोले जाने लगा, जिसकी वजह से इसके नाम को अररिया में अधिग्रहित कर दिया गया है। T20 में भारत की मुश्किलें बढ़ी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 की जीत।
भारतीय टीम के लिए चुनौती बन गई है। बता दें कि विराट कोहली एंड कंपनी धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर बढ़त बनाने का इरादा लेकर पहुंची थी, लेकिन 15 तारीख को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हो रहे खेल को फिलहाल बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। अब भारत को मैच जीतने के लिए अगले दोनों ही मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। एनआरसी को लेकर गिरिराज सिंह के ट्वीट पर जेडीयू ने दी अपनी प्रतिक्रिया। गिरिराज सिंह ने एनआरसी को बिहार की परिस्थिति की मांग बताते हुए अपनी बात रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसे वोट के चश्मे से न देखें, जिसे लेकर जेडीयू ने अपनी बात सामने रखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार को एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है। यह एक ऐतिहासिक करार है जो कि तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और असम के विरोधियों के बीच किए गए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।